दोस्तों, आज इस पाठ में मैं आपको सिखाऊंगा पैर से सिलाई मशीन चलाना। सिलाई मशीन चलाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सीधी सिलाई लगाना, मशीन में धागा डालना, धागा डाल करके सीधी सिलाई लगाना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मशीन तक चलानी नहीं आती और वो मशीन चलाने में ही काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। तो मैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है, सिलाई सीखो ए टू जेड चैनल इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है, तो मैं कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालांकि आपको शायद आती भी हो मशीन चलानी, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि बीच में कुछ भी छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से सिलाई मशीन चलानी है पैर से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए मशीन में ये बेल्ट चढ़ा दिए जिसको माल भी बोलते हैं, और धीरे से हमने क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है तो नीचे का पहिया ऐसे घूमना लगेगा, और धीरे धीरे इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, पहले आराम आराम से इसको मशीन को चलाना है, धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से बिना धागा डाले हुए आपको खाली मशीन चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको मशीन चलाने में फिर भी इस तरह से कठिनाई आ रही है, जैसे आपका कभी आगे कभी पीछे एक बैक कर जाती है मशीन इस तरह से, तो आपको क्या करना है, बेल्ट को उतार देना है, ऐसे बेल्ट को उतार के, और खाली इसकी प्रैक्टिस करनी है। खाली ये व्हील चलेगा, जो पायदान का जो व्हील है, बस यही चलेगा इस तरह से। ये बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इस बेल्ट को चढ़ा के यहाँ पे मशीन में ये इस तरह से, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको मशीन में धागा डालना सिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है मशीन की डब्बी, इसको डब्बी बोलते हैं, और ये है इसकी बॉबिन, इसको फिरकी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें धागा भरेंगे। इस रील को, धागे को यहां पे फंसा लेना है। और ये इसमें को यहां को निकाल के इस तरह से, ये यहां पे, इस तरह से आपको धागा भरना है। ये छोटा सा पेंचकस है, या आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके अंदर इसको ऐसे डाल लेना है, और ये मशीन ऐसे चलानी है। मैं इस वक्त मोटर से मशीन चला रहा हूँ क्योंकि मैं मोटर से ही काम करता हूँ। वैसे तो मेरे कारीगर काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इस तरह से धागा भर लेना है। ये तो मोटर से मशीन चलाना भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैसे वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। जब भी मैं धागा बांधना डालना कैसे है, इसको ऐसे डालेंगे, और ये धागे को इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट चलना चलना चाहिए। ये फिर इसको काट देंगे यहां से, और फिर नीचे लगाएंगे मशीन में। ठीक है, अब मशीन में कैसे लगाना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए मैं मशीन को उठा के आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको लगाते हैं।
ये है यहाँ पे सटल, ये देख सकते हैं आप, सुई आपकी ऊपर होनी चाहिए, सुई ऊपर होनी चाहिए, सुई अंदर ना होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमने ऐसे इसको पकड़ना है इस तरह से, ये जो हिस्सा ये वाला ये अपनी साइड रखना है, और ये जो धागा है इसको उंगली पे ऐसे रख देना है, रखना है। फिर इसको ऐसे, ये देखिए आवाज आई ना, तो ये आवाज आनी चाहिए, और ये धागा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको ऐसे करके उंगली में ऐसे डाल के इसको ऐसे, ये देखिए आवाज आई है, तो ऐसे आवाज आएगी तो समझो आपकी डब्बी सेट हो चुकी। वैसे मशीन को उठाने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, नीचे हाथ दे करके ऐसे लगा दी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डब्बी तो हमने लगा ली है, अब हम धागा डालना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले ये यहाँ को धागा डाल के, ये तीन होल होते हैं, फिर ये टेंशन स्क्रू यहाँ को ऐसे डाल लेना है, फिर यहाँ डालना है इसमें आपको, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब हमारा धागा डल चुका है, अब हम इसमें सुई में धागा डालेंगे। ये डल चुका है, अब इस तरह से करके धागे को ऐसे पकड़ना है, नीचे का धागा ऊपर लाना है हमने। तो ये देखिए ये धागा आराम से ऊपर आ चुका, दोनों धागों के हमने पीछे रखना है। और इसके बाद हम करेंगे सिलाई मशीन की प्रैक्टिस, सीधी सिलाई चलाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कपड़ा ले लेते हैं, ये मैंने कपड़ा ले लिया है दोस्तों। अब मैंने ये डबल करके, सिलाई लगानी है इस पे। हाँ एक और बात, ये जो पैर है, ये बूट, ये जो बीच की दो पत्तियां हैं, एक ये और एक ये, इनको दोनों को मिला के हम एक पैर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं एक पैर की सिलाई, और इसको आधे को बोलते हैं हाफ पैर। तो हम हाफ पैर की सिलाई लगाएंगे सीधी सीधी, इस तरह से प्रैक्टिस हम सीधी सिलाइयां चलाने की करेंगे। फिर इसको उठाएंगे, इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये सीधी सिलाइयाँ लगाने की जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं सिखाऊंगा आपको सलवार की मोहरी के डिज़ाइन। तो ऐसे दोस्तों आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और हो सके तो इस तरह के लहरें भी डालने की प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप उसको देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। ये तो मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको कटिंग, डिजाइनिंग, नेक डिजाइनिंग, ये सभी वीडियो आपको मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।